चलिए बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शामिल होंगे, प्रदेशाध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी शामिल होंगे। हारे हुए विधानसभा प्रत्याशियों की अहम बैठक, मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक, जहां हारे हुए प्रत्याशियों में जोश भरा जाएगा। देखिए, कई सारी ऐसी विधानसभा सीटें थी, अगर अब बात कर ली जाए तो तमाम ऐसे विधानसभा सीटें जहां पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। क्यों हारी और तमाम जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके साथ में ये बड़ी बैठक, जहां पर प्रदेशाध्यक्ष और संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और तमाम जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे जानकारी ली जाएगी कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा, कहाँ पर कमी रह गई, ये तमाम जो जानकारी वो भी ली जाएगी। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि जब कोई नेता हारता है तो कहीं ना कहीं जो उसका मनोबल है वो भी कम हो जाता है। अब ऐसे में आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हारे हुए प्रत्याशियों के साथ में अहम बैठक और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उनमें जोश भरने का प्रयास यहाँ पर बैठक में किया जाएगा दिग्गज नेताओं के द्वारा। तो काफी खास और अहम ये बैठक मानी जा सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए। विवेक, भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि कई ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर हार का सामना करना पड़ा। अब जाहिर सी बात है कि हार के बाद में नेताओं का मनोबल भी थोड़ा ना कहीं थोड़ा गिर जाता है, उन्हें जोश तो दिया ही जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी बीजेपी के द्वारा इस बैठक में, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है। इसी वजह से बीजेपी का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। 165 सीटें बीजेपी चुनाव में जीती है, लेकिन बीजेपी के कई दिग्गज नेता हार भी चुके हैं। उन हारी हुई सीटों में क्या दिक्कतें थी, क्या क्षेत्र में परेशानी थी या फिर जनता में नाराजगी, इन तमाम वजहों की जानकारी अब बीजेपी जुटा रही है और इसको लेकर बैठक बुलाई गई है। संगठन से हम मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और संगठन महामंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। और न सिर्फ इस बैठक में शामिल होंगे बल्कि उन तमाम प्रत्याशियों के साथ भी चर्चा की जाएगी कि आखिर हार के कारण क्या रहे, या फिर पार्टी की तरफ से कोई कमी रह गई थी, या फिर बितरघात करने वालों की ज्यादा संख्या थी, और इन तमाम मुद्दों को लेकर ये बैठक होगी। सबसे दिलचस्प बात है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में जिन सीटों से बीजेपी को हार मिली वहां से क्या दिक्कतें हो सकती है और कैसे वहां पर मजबूती लाई जा सके, इसको लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। हालांकि कल की राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल बैठक कर चुकी है, लेकिन आज की बैठक में जो तमाम फीडबैक के आधार है उनको लेकर उन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। जी, तो बेहद ही खास ये बैठक मानी जा सकती है। विवेक, हम आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, कांग्रेस 2023 के चुनाव में 66 सीटें जीती थी और उसके साथ ही एक सीट अन्य पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा जीत मिली थी। और इसी के दौरान अगर कुल मिलाकर देख लिया जाए तो 67 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इन्हीं 67 सीटों पर अब बीजेपी मंथन करने वाली है हारे हुए प्रत्याशियों से।